तिमथी के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र। ये पत्र प्रिय पुत्र तिमथी के नाम पौलुस की ओर से है, जिसे ईश्वर ने इस बात का प्रचार करने के लिए ईसा मसीह का प्रेरित चुना है कि उसने हमें जीवन प्रदान करने की जो प्रतिज्ञा की थी वो ईसा में पूरी हो गई है। पिता परमेश्वर और हमारे प्रभु ईसा मसीह तुम्हें कृपा, दया तथा शांति प्रदान करें। मैं अपने पूर्वजों की तरह शुद्ध अंतःकरण से ईश्वर की सेवा करता हूँ और उसे धन्यवाद देता हुआ निरंतर दिन रात तुम्हें अपनी प्रार्थनाओं में याद करता हूँ। जब मुझे तुम्हारे आंसुओं का स्मरण आता है तो तुमसे फिर मिलने की तीव्र अभिलाषा होती है, जिससे मेरा आनंद परिपूर्ण हो जाए। तब मुझे तुम्हारा निष्कपट विश्वास सहज ही याद आता है। वो विश्वास पहले तुम्हारी नानी लोविस तथा तुम्हारी माता यूनिके में विद्यमान था और मुझे विश्वास है अब तुम में भी विद्यमान है। मैं तुमसे अनुरोध करता हूँ कि तुम ईश्वरीय वरदान की वो ज्वाला प्रज्वलित बनाए रखो जो मेरे हाथों के आरोपण से तुम में विद्यमान है। ईश्वर ने हमें भीरुता का नहीं बल्कि सामर्थ्य, प्रेम तथा आत्मसंयम का मनोभाव प्रदान किया। तुम ना तो हमारे प्रभु का साक्ष्य देने में लज्जा अनुभव करो और ना मुझसे, जो उनके लिए बंदी हूँ, बल्कि ईश्वर के सामर्थ्य पर भरोसा रख कर तुम मेरे साथ सुसमाचार के लिए कष्ट सहते रहो। ईश्वर ने हमारा उद्धार किया और हमें पवित्र जीवन बिताने के लिए बुलाया। उसने हमारे किसी पुण्य के कारण नहीं बल्कि अपने उद्देश्य तथा अपनी कृपा के कारण ही ऐसा किया। वो कृपा अनादिकाल से ईसा मसीह द्वारा हमें प्राप्त थी, किंतु अब वो हमारे मुक्तिदाता ईसा मसीह के आगमन से प्रकट हुई है। ईसा ने मृत्यु का विनाश किया और अपने सुसमाचार द्वारा अमर जीवन को आलोकित किया है। मैं उस सुसमाचार का प्रचारक, प्रेरित तथा शिक्षक नियुक्त किया गया हूँ। इस कारण मैं यहाँ ये कष्ट सह रहा हूँ, किंतु मैं इससे लज्जित नहीं हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैंने किस पर भरोसा रखा है। मुझे निश्चय है कि वो मुझे सौंपी हुई निधि को उस दिन तक सुरक्षित रखने में समर्थ है। जो प्रामाणिक शिक्षा तुमको मुझसे मिली उसे अपना मापदंड मान लो और ईसा मसीह के प्रति विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ बने रहो। जो निधि तुम्हें सौंपी गई उसे हम में निवास करने वाले पवित्र आत्मा की सहायता से सुरक्षित रखो। तुम जानते हो कि एशिया में सब ने मुझे छोड़ दिया। उसमें फुगेलुस और हेरमोगेनेस है। प्रभु की दया ओनेसिफोरुस के परिवार पर बनी रहे, क्योंकि ओनेसिफोरुस ने मुझे अक्सर ढारस बंधाया। वो मेरे बेड़ियों से लज्जित नहीं हुआ बल्कि उसने रोम पहुंचकर मेरा पता लगाने का कष्ट किया और वो मुझसे मिलने आया। प्रभु उसे ये वरदान दे कि वो उस दिन प्रभु की दया प्राप्त करे। उसने एफेसुस में मेरे लिए जो कुछ किया वो तुम अच्छी तरह जानते हो।